सरकारी कॉलेज के बाहर कुछ बदमाशों के वलों फायरिंग की गई। ये फायरिंग बुलेट सवार नौजवान के उपर की गई। करीब 7 राउंड फायर किए गए ने। यह वारदात उस वेले हुई जदों सूबे दे सीएम इस शहर दे विच सी। ता सरकारी कॉलेज दे बाहर एक नौजवान नू निशाना बनाया गया। 7 गोलियां उसने मारियां ने। पुलिस दे विच हड़कंप मच गया। आले दुआले खड़े लोग एकत्र होए ने। पुलिस दे वल्लों जख्मी नौजवान नू हॉस्पिटल दे विच भर्ती करवाया गया जिथे उसका इलाज किया जा रहा। तस्वीरां करनाल दे सैक्टर 14 दियां ने। इत्थे सरकारी कॉलेज दे मूहरे फायरिंग की गई कुछ बदमाशों के वलों उस वेले जदों सीएम नायब सैनी इस शहर के मौजूद से। तो पुलिस ने बुलेट नू अपने कब्जे के लै लिया और बदमाशों की भाल वास्ते टीम तैनात की गई ने। नेड़े दे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ता जो इन्हों बदमाशों की पैड़ नपी जा सके। तो सरकारी कॉलेज के बाहर बुलेट सवार नौजवान से गोलियां चलाई गई ने। दिन दिहाड़े बदमाशों के वलों इस वारदात को अंजाम दिता गया। वो जी पुलिस वाली रोड है जो जाती है इधर सब्जी मंडी के साइड, वहाँ पे ना ये नीचे गिर लेटा हुआ था। एक बाइक खड़ी थी बुलेट, काफ़ी सारे लोग थे, भीड़ भाड़ थी। तो 2-3 लोगों ने इसको, एक पुलिस की गाड़ी भी आई, उसको उसमें बिठाने की कोशिश करी लेटाने की, पुलिस वालों ने मना कर लिया। पीछे ही मेरी गाड़ी थी पुलिस वालों के, तो इन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली। 2-3 बंदे थे कि बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मेरी गाड़ी में पीछे इसको लिटा दिया हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आया हूँ, अंदर चला गया है। एक लड़का मेरे साथ और भी है, वो अंदर ही है जो वहाँ पे ही खड़ा था। तो गोलियाँ लगी हुई हैं, ये मेरे को पता नहीं। मेरे को तो ये था कि एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने तो एक्सीडेंट का पेशेंट सोच समझ के अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। अभी इसको कह रहे हैं गोलियाँ लगी हुई हैं। तो कहाँ, ट्रॉमा सेंटर में लेकर आए? हाँ, यहीं पे लेके आए हैं। ट्रॉमा सेंटर कहाँ का है कुछ पता चला? जो उसने बताया वो कालरम का बता रहा है भाई। अभी सूचना मिली है कि लड़के गोली बल्कि मिली गई, मौके पे जा रहे हैं। तो कौन है लड़का कुछ पता? सुमित नाम है, बाप का नाम। बाप का नाम क्या है? कालराम का रहने वाला है, सुमित कालराम का रहने वाला है, बाप का नाम। तो कितनी गोलियां लगी हैं? 7 गोलियां लगी। मौके पर जाकर देख रहे हो? हालत गंभीर है और अभी चिंताजनक हालत। तो ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया? सिविल। तो आप देख सकते हैं गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने से पहले ही इंजर्ड हॉस्पिटल पे जा चुका है और कई राउंड फायर हुए हैं, जो कारतूस चले हुए हैं मौके पर पड़े हैं। अभी सीनो क्राइम टीम मौके पर आई है और सीसीटीवी कैमरे चेक किया जा रहा है। तो जिसके ऊपर फायरिंग हुई है कौन से साथ? ये अभी नाम नहीं पता किसके ऊपर फायरिंग हुई है, उसको पहले से पुलिस के आने से पहले हॉस्पिटल भिजवा जा चुका है। किस बाइक पे था? बुलेट बाइक पे सवार था। और जो फायरिंग करने वाले थे उनका अभी कोई सुराग नहीं चला, कौन है कौन नहीं है। अच्छा, क्या हालत है? इन्वेस्टिगेट जारी है। देखो अभी हॉस्पिटल में गई एक टीम, हॉस्पिटल में भी गई है।